हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हो टेक स्टार्ट। तो गाइस, ये एक कंपैरिजन वीडियो है और इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ WD एलिमेंट यानी नॉर्मल हार्ड डिस्क के बारे में और वहीं WD का ही SSD कार्ड जो कि काफी हाई रेंज में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों का डाउट सारा क्लियर कर दूंगा इस दोनों प्रोडक्ट के ऊपर से, और इसी के साथ साथ मैं वीडियो के लास्ट में अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और मैं ये भी बता दूंगा आपको कौन से हार्ड डिस्क लेने चाहिए। तो विदाउट एनी वेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए देखते हैं। तो जैसे आप लोग देख ही रहो, इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा साइज का डिफरेंस है और इसी के साथ ही साथ एक तो काफी ज्यादा थीन है और वहीं दूसरा काफी ज्यादा थिक है। तो इस कंपैरिजन से आपको मालूम हो चुका होगा आपको किस तरह के साइज का डिफरेंस होने वाला है इन दोनों के बीच। अब मैं आप लोगों को इसका केवल का कंपैरिजन भी कर दिखा देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके माइंड में किसी तरह का डाउट हो। तो ये रहा हमारा WD का नॉर्मल हार्ड डिस्क का केबल। तो जैसा देख सकते हो, इसका भी क्वालिटी काफी ज्यादा बेहतर है। और हाँ, ये आपका USB 3.0 केबल है, तो आप अपने PC या लैपटॉप में काफी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। और ये रहा हमारा WD का SSD का केबल, और ये USB केबल Type-C to Type-C केबल है और ये सपोर्ट करता है USB 3.2 सेकेंड जनरेशन। और इसी के साथ ही साथ आपको एक एडाप्टर दिया गया है Type-C के लिए, तो आप इसे यूज कर सकते हो अपने स्मार्टफोन में भी और अपने डेस्कटॉप भी यूज कर सकते हो। इसका जो केबल का लेंथ है वो काफी ज्यादा छोटा है अगर कंपेयर करें WD एलिमेंट के साथ। बट हाँ, इसी के साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है, आप इस SSD ड्राइव को लैपटॉप भी यूज कर सकते हो और अपने स्मार्टफोन भी यूज कर सकते हो अगर आपका स्मार्टफोन Type-C सपोर्ट करता है तो। अगर हम लोग नॉर्मल हार्ड डिस्क का डिजाइन देखें तो यहाँ पे WD का ब्रांडिंग किया गया है और ठीक इसी के नीचे आपको 3.0 का पोर्ट दिया गया है। और गाइस, इस हार्ड डिस्क के चारों तरफ आपको एक प्लास्टिक मेट फिनिशिंग दिया गया है जिस कारण से ये काफी ज्यादा शाइनिंग लुक देता है, और साथ ही साथ आपको ऊपर और नीचे की साइड रबर फिनिशिंग दिया गया है जो कि काफी हद तक एक ग्रिपिंग के लिए सही है। अगर वहीं बात कर ले SSD कार्ड के डिजाइन के ऊपर, तो इसे पूरी तरीके से प्लास्टिक मेट फिनिशिंग दिया गया है और इसके ऊपर भी आपको ब्रांडिंग दिया जाएगा WD का। और जैसे आप लोग देख ही रहे हो, ये काफी ज्यादा छोटा है और काफी ज्यादा पतला भी है। इसे भी काफी अच्छे मटेरियल से बनाया गया है। और गाइस, एक मजे की बात और है, इस SSD कार्ड को ड्रॉप रेजिस्टेंट प्रोटेक्शन दिया गया है, तो अगर आपका SSD कार्ड गलती से भी गिर जाता है तो कुछ नहीं होगा अप टू 6.5 फीट तक। बट अगर नॉर्मल हार्ड डिस्क को देखें तो आप अगर उसे 1 फीट से भी नीचे गिरा देते हो तो उसका काम तमाम है। और इस हार्ड डिस्क में आपको किसी तरह का प्रोटेक्शन भी नहीं दिया गया है, तो ऐसा नॉर्मली हो सकता है। अब मैं आपको इसका रीड और राइट स्पीड बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल हार्ड डिस्क के बारे में। गाइज, इसका रीडिंग स्पीड 70 to 110 MBPS है अप्रॉक्स, जो कि मैंने खुद टेस्ट कर रखा है, और आपको राइट स्पीड 70 to 90 MBPS मिल जाएगा जो कि लिटरली काफी ज्यादा बढ़िया स्पीड है अगर इसके प्राइस को भी लेकर देखें तो। गाइज, अब हम लोग अगर SSD हार्ड डिस्क को देखें, इसका रीड स्पीड 1050 MBPS है अप्रॉक्स और राइट स्पीड 1000 MBPS है अप्रॉक्स। बट हाँ, मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, इन दोनों के बीच इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है। आपको नॉर्मल हार्ड डिस्क में मैकेनिकल फंक्शन दिए गए हैं, यानी एक CD रहता है और वो वर्क करता है। बट गाइज, SSD हार्ड डिस्क के साथ ऐसा नहीं है, जिस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट रीड कर सकता है और राइट कर सकता है, यानी कॉपी कर सकता है और पेस्ट कर सकता है। तो अगर आपका यूजेज थोड़ा बहुत ही है तो आप एक नॉर्मल हार्ड डिस्क ले सकते हो जो कि आपको 4000 या 3000 में आ जाएंगे WD का। और वहीं अगर आप प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करते हो तो ये आप WD का SSD कार्ड ना ही लो तो बेहतर होगा। इससे बेटर होगा कि आप लोग कुछ पैसा और लगाकर सैमसंग का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क परचेज कर सकते हो, वो आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि इस हार्ड डिस्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये काफी ज्यादा हीट करता है, जो कि पर्सनली मुझे काफी ज्यादा बड़ा डिसएडवांटेज लगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, मैंने आपको सारा कुछ अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। बट गाइस, फिर भी आपको किसी तरह का डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपको 1 घंटे के अंदर रिप्लाई दे दूंगा या मेरी टीम की तरफ से आपको 1 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक दे देना, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे फैमिली में ज्वाइन हो सकते हो, और ये करने में आपको सिर्फ 2 सेकंड लगने वाला है। सो प्लीज, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।